और उससे पहले से भी जो कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता। मेरा तो पूरा जीवन जो है वैसे ही मरीजों के लिए शुरू समर्पित रहा है। मैं ये प्रयास करूंगा और भी एजेंसियों से मिल करके, शासन से या और भी जो ऐसे लोगों पर सद्भाव रखने वाले चिकित्सक हैं उनसे, कि गरीब मरीजों का को निःशुल्क उपचार अंततः प्राप्त हो सके। और दूसरी चीज ये भी है कि कैंसर की जो बीमारी है और कैंसर की बीमारी का जो दर्द है वो गरीब और अमीर लोगों को अलग अलग नहीं होता। तो हमारा दर्द जो है, हमारा जो संकल्प है, मेरा जो संकल्प है वो गरीब और अमीर को धर्म, जाति, भाषा, आर्थिक स्तर के सभी प्रकार के खंड से अलग करके सिर्फ मनुष्य के रूप में देखना और मनुष्य के रूप में उपचार करना उसका। नहीं, वो उसमें जो है ना, मतलब वो एक दर्द की दवाई होती है, लेकिन अकेली वो दवाई जो है वो कैंसर के दर्द को दूर नहीं कर सकती है। जैसे मान लीजिए मरीज को पेट में कैंसर कारण से रुकावट है, उसे पेट में दर्द हो रहा है, उस प्रकार के मरीजों के लिए वो दवाई निष्प्रभावी है, उसका दूसरा उपचार है। यदि मान लीजिए कैंसर का मरीज को छाती में कैंसर हो गया है, कैंसर फैल गया है और छाती में कैंसर कारण में पानी भर गया, उसके कारण दर्द हो रहा है, वहां भी वो दवाई निष्प्रभावी है, वहां भी उसका उपयोग से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, हम लोग जो है ना इस प्रकार की नशे की दवाइयों को लाइसेंस के लिए प्रयास नहीं करेंगे। और भी उसके बहुत से तरीके हैं, उससे हम लोग उसका उपचार करने का